पेज। बच्चों को कैसे पढ़ाना है? हुकुम से चिल्लाकर, एक कागज पेन लेकर, एक स्लेट पेंसिल लेकर, एक डंडा लेकर। एक डंडा टूट जाता है फिर भी वो बच्चा स्कूल को आता है। So when you say this with action, the children also will do action. बच्चे ना ऐसे कि आंसर देना ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये हाथ जोड़कर आंसर देना बहुत ही बुरा है, right? तो कुल्लम कुल्ला होकर third and form जब action से करते देखते हैं ना, तो ज्यादातर जो सामने होते हैं ना वो body language से सीखते हैं। कौन से लैंग्वेज से समझ सकते हैं? बॉडी लैंग्वेज से। तो हम बच्चों को बॉडी लैंग्वेज सिखाना है। जब आप पेरेंट्स ऐसे ही चुप बैठते हैं तो बच्चे भी वैसे बैठते हैं। आपको एक्शन करना है, जेस्चर्स यूज करना है। माय रिक्वेस्ट टू एवरी पेरेंट, 6 महीने के बच्चे होते हैं उसको कॉल करना है, उसको वॉकर में मत बिठाओ, वॉकर में मत बिठाओ, वॉकर वॉकर में बैठने से स्टॉलिंग बंद हो जाता है। जब स्टॉलिंग बंद होता है ना एक मिडल होते हैं, एक मिडल से जब वो एक हाथ यहाँ एक आदर करते हैं बड़ों का, तो कहाँ से करते हैं? जब वो सीन देखता है